একো না একো না একো না কবার দুখ পয়সা सो है गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइस, आज है फिर से एक संडे, तो हम लोग चार गाड़ियाँ, क्लीन एंड ट्रक, एक डेस्टिनी और एक 390 जा रहे थे संडे राइड के लिए। एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है मेघालय में, जो कि पास में होगा अराउंड 63 किलोमीटर का है। तो अभी हम लोग जाएंगे और मेरे दोस्त लोग निकल चुका, मैं निकलने वाला अभी और मिलवा तो आप दोस्त लोगों से। उसको पहले इसका कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब हो चुका है। वॉक वाइजर का तो नाम होने चाह नहीं यार। सो ये हम लोग का लाइनअप, एक 390, एक डेस्टिनी, एक 2-3 एंटॉर्क, एक 2-3 आतंक मचाएंगे हम। मैं शूट करूँगा और हम दोनों मतलब नॉर्मली जाएंगे, ये लोग पूरा आतंक मचाएगा 500 का स्पीड में। जस्ट अभी निकल गया अपने गली से एंड आज भी एक अच्छा सा लिन गेम चलेगा और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको अच्छे से टर्निंग एंटर का कॉर्नरिंग, और मैं खुद भी लेने का ट्राई करूँगा। लास्ट टाइम मैंने 155 उठाया था, इस बार 170 तक ट्राई करूँगा, बट देखता हूँ कितना खिंचवा देता है मेरा इस मॉली। एंड गाइस, ठंड का मौसम आ चुका है, बस्ता वस्ता पहन के रहना पड़ेगा अभी। शुरू भाई साहब, शुरू नया टायर लगवा के शुरू हो चुका है। ये दोनों जो भाई है ना, कहीं पे भी आतंक मचाना शुरू कर देता है रास्ता में। अब आ चुके मेन हाईवे पर, अभी चालू होएंगे आप लोगों का, फुल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखा बस, और थोड़ा खाली रास्ता मिल जाता तो मजा आता, और थोड़ा बस। उस दिन तो 5 नंबर गियर में 150 उठा था एंड मैं नोटिस भी नहीं किया था कि 5 नंबर गियर में। एंड स्टार्ट हो चुका है अपना कॉर्नरिंग यहाँ से, एंड रवि जी बेहतरीन टर्निंग लेते हुए एंड बाउंड्री के बाहर जाते हुए एकदम बढ़िया से, उनके साथ साथ मैं भी करने की कोशिश एकदम बढ़िया से लीन करते हुए, बस चक्का स्किट ना खाए। तो आगे में भैया जी क्रेटा ने हम लोगों को रुका दिया। चलो इस भूखे को खाना खिलाता है, नहीं पानी पिलाते प्यासे को। सूरज का रोशनी ना पूरा अखियन में लग रहा है मेरा, और आगे पूरा अंधेरा दिख रहा है। वेलकम टू जोराबाद ब्रिज, इनसाइड द जोराबाद ब्रिज एंड गोइंग टू मेघालय।
है शिलोंग आने के लिए। बस रास्ते की कंफ्यूजन, 4 साल पहले आया था तो मुझे इतना खास याद नहीं। पर मेरे को इतना लग रहा थोड़ा थोड़ा यही होना चाहिए कि ये सब रास्ता से मैंने ऑफरोड किया था। वाओ गाइस, पहुंच चुके हम लोग। ओ गाइस, एक सर्कल कंप्लीट करता हूँ। ओहो, 4 साल बाद इस जगह पर बहुत अच्छा लग रहा है।
सो गाइस फाइनली मतलब बहुत जंगलों के बीच से आते हुए हम लोग रास्ता भी भूल गया था, ऐसा लगता रास्ता ही नहीं, खत्म हो गया। और थोड़ा देर के लिए उम्मीद भी छोड़ देते कहाँ है यार, मैप में भी सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, बट फाइनली उस जगह में पहुँच चुका है। और यहाँ से जो मतलब वाइब है ना बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है जगह भी, मतलब क्या बताओ। और चारों तरफ धूप है, फॉग तो है नहीं, तो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सारे हमारे चंटर पंटर लोग सब इधर है, सब लोग ड्रेसअप कर रहे हैं, मतलब खोल रहे गर्मी में जंगल से आते हुए, मतलब जंगल का एक दाना है ना सो कपड़ों में सब चिपक जाता है, खींच खींच के निकालना पड़ता है। इधर भाई कैसा लगा जंगल में चला के? एकदम मस्त मस्त ना, एकदम ऐसे एक्सपीरियंस करने के ना मतलब अलग ही भाई बात है यार, खुद रास्ता बना। तेरे को कैसा लगा रे जंगल में आके? मेरे को हमको उड़ा डाला रे। अरे गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ देख सकते हो, मैं बोला चिपक जाएगा, बल्कि यही चीज़ है, पूरा जंगल में चिपक जाता है महंगे जूते। हाँ मिस्टर गाइस आइए एक सामान दिखाते हैं, दिखाओ भाई दिखाओ दिखाओ। लाइक्रा फैब्रिक का वो टी शर्ट लगा है, देखिए कितना वो लंबा होता है। फिर अपने 20,000 के शूज, इसमें तेरे मोबाइल बिक जाएंगे। हाँ इसका लड़का का शौक मतलब बहुत ही ज्यादा है, अमीर है ना बहुत। वो उसका फोन 33,000 का फोन लिया, अभी गाड़ी लिया 1.5 लाख का, स्कूटी लिया भाई, आप लोग देख रहे हैं 1.5 लाख का स्कूटी। और वहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे दिख रहा है वो एबीजी का वो डुप्लीकेट है, वो भी लिया, वो भी महंगाई में लिया। भेगा एबीजी देख सकते हैं, ये जैकेट देख सकते हैं आप। हाँ वो जैकेट देख सकते हैं, ये कितना महंगा जैकेट है, वो फैंसी बाजार से लिया हुआ है, लेकिन बहुत महंगा लिया है ये। और ये तो भाई क्या बोले, ये तो ओरिजिनल फीला का है, वो भाई ने बहुत दिन पहले खरीदा था करीब 1.5 लाख का आसपास, तो अभी वो चला रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही, तो गाइस अभी हम लोग सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और मतलब जम मार के हवा में सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं। और अभी पता नहीं ये तो मिस्त्री लोग बना के गए, इसका हालत पता नहीं क्या होगा, ये भारी भरकम इंसान अभी जम मारेगा। गाड़ी चला लग पा तो की जम मार भी हिप्पोपोटामस टाइप ओइल गिला से पानी भरा उला जम जम मार दिया। अपलोड योर स्टूडेंट आईडी मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन के सो गाइस यहां का जो व्यू है ना काफी अच्छा है, बहुत सुंदर है, और मतलब पूरा कैनियन ही कैनियन है, पूरा कैनियन ही कैनियन है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पर आपको आने के लिए जंगल बाइक अगर लेके आना है तो आपको जंगलों के बीच से आना पड़ेगा। पहले यहाँ पर रोड था, 400 पर जब मैं आते यहाँ पर रोड था, मतलब ऑफ रोड था बट रोड था, बट अभी जो पूरा जंगल से कवर हो चुका है, कोई आता नहीं यहाँ पे, तो इस जगह पे आओ, इस जगह बहुत सही है यार। और चल के भी आना है तो इधर सीढ़ी राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको गाड़ी लेके आ सकते हो, और कार नहीं आएगा शायद। क्या बोलते मेघालय का हर जगह खूबसूरत है यार, हर जगह आप देख सकते हो पीछे मेरे, ये कुछ पार्क जैसा यहाँ पे पूरा। एक बार मैं आपको ना चारों तरफ से व्यू दिखा दूँ कैसा है, तो म्यूजिक के साथ इस व्यू को एंजॉय लो आप। पूरा ऐसा कुछ व्यू है चारों तरफ से, और बीच में एक घर जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो यहाँ पर, तो एंड पिकनिक वगैरह भी आप कर सकते हो यहाँ पे आके फैमिली के साथ, बट कार लेके नहीं आ सकते, ये सबसे ख़राब चीज़ है कि फैमिली के साथ कार लेके आना पड़ेगा, बट दोस्तों के साथ बाइक लेके आना तो आप आ सकते हो, अगर आप सकते हो बाइक चलाना तो आ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऑफ रोड बहुत घास वगैरह के लिए बहुत स्लिप है, और फॉग भी पूरा क्वास पता है, फॉग वगैरह जमा हुआ है पता पता में, तो बहुत ज़्यादा स्लिप है। बस यही था जगह का मज़ा, हम लोग अभी तो फोटो वोटो शूट कर रहे हैं गाड़ी वगैरह का अपना, और शूट करके फिर निकल जाएंगे यहाँ से, और बहुत जोर का भूख लगा यार,
सुबह 6 बजे निकला था। तो चलो चलो मिलते हैं ऐसे कुछ अगले राइड पे, अगले जगह पे, नया प्लेस के साथ। अभी के लिए स्टे ट्यून और ख्याल रखिए अपना आप लोग। चलो बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ठोक देना यार, बस ठोक देना और सपोर्ट करना भाई को थोड़ा। अभी के लिए बाय।